जैसे संदीप सोनगढ़े, संदीप सर क्लासेस भोपाल, हमने अभी तक समांतर श्रेणी के 4 लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। अब हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर हम सॉल्व करें, जो टेस्ट के रूप में आपको 20 to 30 सेकेंड आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको सॉल्व करना है। दूसरी चीज, डिटेल में पढ़ना बड़ा जरूरी। हमने सीजीएल के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसके पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब टेस्ट स्टार्ट हो रहा है जिसके सॉल्यूशन भी यहीं कराऊंगा, क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, राइट। दूसरी चीज, आपने एक चीज ये करना है कि नाम या पिक पर जाएंगे तो आपको नंबर सिस्टम करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है ना, एपी करके। तो आपको वहां से क्या करना है, सारी वीडियोस देखनी है, और आज से हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर है, ओके। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी, ठीक है। सीरीज है एपी बाय 15, 21, 27, डैश 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 279, ठीक है। ये सीरीज दी जाएगी और आपको हिंदी में या इंग्लिश में बोल दिया जाएगा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर प्रेजेंट इन एपी, इस सीरीज में कुल कितने पद है, तो बोल देगा इस सीरीज में कुल पदों की संख्या बताओ, में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बताना है आपको, करो सॉल्व। ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं आप लोग को, आगे तक कंटिन्यू बने रहें, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम्स निकालने, तो मैंने डिटेल में पूरी चीजें बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने बताया है। डी ऑप्शन है आपका 45, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, जो लास्ट में टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, 8109585162, इस नंबर पे आप कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ग्रुप हमारा है जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्रीवियस के लिए सारे क्वेश्चन एंड सारी चीजें, लूसेंट सामान्य ज्ञान भी है, ठीक है ना, जिसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, नाम पर क्लिक करेंगे या डिस्क्रिप्शन में रहेगी, एमपीपीएससी की भी मिल जाएगी, सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी, राइट। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, 20 सेकेंड आपके पास है। चलो, बन गया क्वेश्चन। समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, एक ऐसी सीरीज जिसमें अंतर क्या हो, समान, ठीक है ना, सब में सारे पदों में क्या हो, अंतर क्या हो, समान, तो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी, जिसमें डी क्या होता है, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, राइट। चलो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो हमने एक लास्ट टर्म का फॉर्मूला, मैंने बेसिक से समझा रहा हूं, उसको डायरेक्ट भी करना ही बताऊंगा, ठीक है ना, पहले बेसिक से समझ लो। लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला होता है, अंतिम पद का या एंत पद का, ठीक है, अंतिम टर्म्स, अंतिम पद का एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था, जिनको याद है या नहीं है, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो कैसे करोगे। फॉर्मूला था लास्ट टर्म का, एल बराबर था, एल मतलब लास्ट टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला था। हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्या करेंगे, उसको डिटेल में भी समझते चलेंगे यार, है ना, क्योंकि एनालिसिस ही तो करना है पेपर में, ये आपका ये टेस्ट है सीखने के हिसाब से, एग्जाम है, मेन टेस्ट होगा, स्पीड आपको यहां से बनानी है, अभी समझ लो, दो बार इसको पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना, बस दो बार पढ़ना है, हर लेवल के टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। लास्ट टर्म अंतिम पद बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए क्या होता है उस सीरीज का पहला पद, एल क्या होता है अंतिम पद, इसका अंतिम पद क्या है 279 है, डी क्या डिफरेंस है, चलो इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, लास्ट टर्म कितनी दी है 279 इक्वल, ए क्या है फर्स्ट टर्म, पहला पद कितना दिया उस सीरीज का 15, प्लस एन की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो एन माइनस वन रहने दो, एन माइनस वन, डिफरेंस कितने का है यार, देखो 6 का है, 6 का डिफरेंस है, डी की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस दो पदों के बीच का अंतर कितने, 6 का है, तो भाई एन की वैल्यू निकालनी तो निकाल लो, एक काम करो, ये प्लस का 15 है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 279 माइनस का 15, और ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन, और ये बचा 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 462 हो गया, ये जो 6 है वो कहां चल जाएगा, नीचे यहां पर, और यहां क्या बचा n प्लस n माइनस 1, ठीक है ना, इसको डिवाइड करो तो कितना हो गया 40, कितना हो गया 624, फिर बचेगा 2 तो 624, ये हो गया 44, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा प्लस कर दो सीधे सीधे, तो n की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब 45, क्लियर दिख रहा है ना, ओके, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 45,
कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं, और इसको मैं ट्रिकी फॉर्म भी बताऊंगा। ट्रिकी मतलब पूरी इतनी डिटेल इतना नहीं करना पड़ेगा, इतनी स्टेप नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं उसको डिटेल में भी बता दूंगा, ठीक है? फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा, लगाएंगे फॉर्मूला ही, लेकिन क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद नहीं रखना, मैं एक स्टूडेंट के माइंडसेट से भी चीजों को समझाऊंगा। तो आपको क्या समझना है, इससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, एक फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी। तो अब याद रखो, ये तो हो गया, अब ये क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व हो जाता है, अब ये देख लो। करेंगे हम वही इसी फॉर्मूले के तौर पर, लेकिन इस फॉर्मूले को लिखने की भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सीधे हमें पता है अंतिम पद, जब भी ऐसा पूछेगा कुल पदों की संख्या, तो क्या करेंगे आप, अंतिम पद क्या आपका 279, क्या करेंगे, अंतिम पद में से पहला पद घटा दो, माइनस का 15, डिफरेंस कितने का है उससे माइनस कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो और प्लस 1 कर दो, बस हो गया। यही तो किया है ना हमने, देखो अंतिम में से पहला घटाए, डिफरेंस का डिवाइड कर, और ये जो माइनस का 1 था ये प्लस 1 हुआ था। तो इतना फॉर्मूला याद नहीं करना, एक लाइन में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 264 डिवाइड बाय 6 प्लस 1, तो ये हो गया 44 प्लस 1, 45 आंसर आपका, ठीक है ना? तो मतलब बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं होती है, बस क्या याद रखना है आपको, लास्ट में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो 264, डिफरेंस कितने का 6 का, आगे ये 44 और प्लस 1 करना है बस, तो आंसर 45। समझ में आ रही चीजें? तो ये क्वेश्चन कितने आपका मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में हो जाता, क्लियर? ठीक, इस तरीके से हम कई क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से चीजें क्लियर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राइट? चलो, इसके पहले मैंने एलजेब्रा में सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है? जिसमें एलजेब्रा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो 10 वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 10 वीडियो एलजेब्रा की है। उसी एलजेब्रा की प्लेलिस्ट में सबसे नीचे जाएंगे तो आपको टेस्ट, 4 टेस्ट मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। और अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, आपको पीडीएफ मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, क्लियर है? चलो, सेकेंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है, व्हाट विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, 20th टर्म इन द गिवन सीरीज, गिवन सीक्वेंस या सीरीज, क्लियर? ठीक है, व्हाट विल बी द 20th टर्म इन द गिवन सीरीज, इस सीरीज का क्या बताना, 20वां पद, ठीक है ना? तो माइनस 20 ऐसी सीरीज दी रहेगी, हिंदी में भी लिख लेना, 47 माइनस का 44 डैश डैश डैश, 20वां पद निकालना है, 20वां पद मतलब 20th टर्म निकालना है, ठीक है? इस सीरीज का 20वां पद निकालना है, क्लियर? ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट माइनस 10, सेकेंड ऑप्शन है, टाइम स्टार्ट नाउ, और लास्ट ऑप्शन है 7, ठीक है? देखो यार, टॉपिक वाइज टेस्ट देना बड़ा इसलिए जरूरी है, अगर ओवरऑल टेस्ट अगर आप देते हैं तो क्या होता है, आपका टॉपिक क्लियर नहीं होता, जब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है तो उस टॉपिक से एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक टॉपिक पढ़ाया और उसके टेस्ट ले रहा हूं, और बहुत एनालिसिस करना पड़ता है इन टेस्ट पेपर निकालने के लिए के क्वेश्चन, ठीक है? बन गया क्वेश्चन? चलो, हो गया भाई, मैंने क्या बताया था, अंतिम पद, अब अंतिम पद क्या बोल रहा है, 20वां पद निकालो, तो मैंने क्या बताया, अंतिम पद का फॉर्मूला क्या था, इस बार अंतिम पद निकालना है, उसमें क्या था, n की वैल्यू निकालनी थी, नंबर ऑफ टर्म निकालने थे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो गया, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर ना? n है, बोल रहा हूं, h नहीं है वो, ठीक है? n क्या है, टोटल टर्म्स, राइट? तो आपको 20वां पद निकालना है, T20 निकालना है, ठीक है ना? ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, माइनस का 50, ओके, प्लस एन माइनस 1। एक चीज याद रखना, अब यहां पर याद रखने वाली क्या बात है कि बार बार आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी बताऊंगा कैसे, आपको याद रखना है हमेशा आपको एन माइनस 1, तो जितना निकालना है उसमें से एक कम कर दो, 20 में से एन की वैल्यू क्या है, 20 में से एक गया तो कितना, 20वें पद की बात कर रहे हो ना आप, तो 20 में से एक गया 19, और डिफरेंस कितने का भाई देखो, अब डिफरेंस कैसे लेते हैं, कंफ्यूज मत हो ना, माइनस और प्लस में समझो, दूसरे में से पहला पद घटाते हैं, ठीक है ना? हमेशा सीरीज का आगे वाले में से पीछे वाला पद घटाते हैं, जैसे माइनस का 47 माइनस ये वाली टर्म्स,
मैं क्यों बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना प्लस माइनस मिस्टेक होगी क्योंकि लास्ट टाइम होमवर्क दिया था तीन सीरीज जिसमें ज्वाइंट थी, ठीक है, तीन मिस्टेक मत करना। तो डिफरेंस कितने का आया, तीन का, वो भी कौन सा, पॉजिटिव। नेगेटिव डिफरेंस भी होंगे राइट, तो तीन जो आया आपका पॉजिटिव है मल्टीप्लाई में राइट, तो माइनस का 50, ये हो गया 57। भाई 57 में से 50 जाएगा तो बचेगा कितना, 57 में से 50 गया तो 7, और पॉजिटिव प्लस बड़ी संख्या का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो 7 आपका क्या हो गया, राइट आंसर। चलो अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना, इतना फॉर्मूला नहीं लिखना है, अभी प्रैक्टिस कर लो इसको बार बार कर कर, ठीक है ना। तो क्या याद रखने बताया था, एग्जाम पैटर्न दोनों टाइप से समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब समझो यार, आपको 20वां पद बोल रहा है तो ए तो हर समय आएगा, ए प्लस तो रहेगा ही ना, ए तो हमेशा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधे लिखना है ए होता है तो पहला पद ये है 20, कौन किसकी बात कर रहा है, 20वें पद की, तो एक कम कर दो 19 और डी की वैल्यू 3, माइनस का 50 और ये हो गया 57, 7 आंसर। कितना टाइम लग रहा है बताओ, ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे कब, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, क्या बोल रहा हूं समझो, हमेशा आपको क्या याद रखना, पहला पद तो रहेगा तो उसको लिख दिए, ए पहला पद है तो 20 पद बोल रहा है तो 20 में से एक 19, तो हमेशा क्या करना है, एक कम कर लिया करो, बस हो गया। तो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, फिर डबल से समझो एक बार, 20वां पद तो पहला पद माइनस का 50 प्लस, ठीक है ना, 19 एक कम कर दो और डी कितना है 3, तो यहीं पर क्लियर हो गया 57, तो 57 बड़ा है 50 रहे 7, प्लस बड़ी संख्या का साइन है 7, माइनस 7 मत कर देना, प्लस 7 आपका आंसर, क्लियर ना। तो मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, मुझे पता है क्वेश्चन कम कराऊंगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और मैं टाइम, क्योंकि देखो एग्जाम में कितना आता है मैटर नहीं करता, कितने जल्दी कर रहे हो क्वेश्चन, और ये स्टेप रिड्यूस करनी है। सर इतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो ऐसा है, देखो कुछ लोग कर पाते होंगे नो डाउट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और हर कोई इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7, ठीक, एंड सिक्स्थ टर्म इज 13, देन फाइंड सम ऑफ फिफ्थ टर्म, ये क्वेश्चन आपका, करो सॉल्व। हिंदी में भी बोल दे रहा हूं, क्या बोल रहा है हिंदी में, यदि, इफ मतलब यदि समांतर श्रेणी का, इतने से वैसे मतलब नहीं है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद, थर्ड टर्म तीसरा पद, ठीक है ना, तीसरा पद कितना है 7, और छठवा पद सिक्स्थ टर्म, छठवा पद कितना है 13, तो प्रथम पांच पदों का योग निकालो, प्रथम पांच पदों का योग निकाल लेंगे, करो सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, आप एग्जाम देखते होंगे इस टाइप का आएगा, है ना, एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन है सारे। हो गया क्वेश्चन, 20 सेकेंड के अंदर करना था। ठीक, चलो करें, इतना मिटा दे रहा हूं, समझना है पहले, समझ लो फिर शॉर्ट में भी निपटाएंगे। किसी सीरीज का थर्ड टर्म, और हमने देखा था टर्म्स वाला फॉर्मूला, पद वाला, अंतिम पद वाला, तो हमें कौन सा निकालना है, थर्ड T3 निकालना है, तो T3 क्या हो जाएगा, A तो हमेशा ही रहेगा, A प्लस N माइनस 1 D होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला, ठीक है ना,
तो तीन में से एक गया, ए प्लस तीन, कितने पदों की बात कर रहा है, तीस की, तीन की ना, तो तीन में से एक गया दो, टू डी, तो टी थ्री कितना हो गया, ए प्लस टू डी, जिसका मान कितना दिया है, ए प्लस टू डी की वैल्यू कितनी दी है, सात। ठीक, अब क्या बोल रहा है, छह पदों का, तो आपको मैंने क्या बोला है, आप समझो, अब थोड़ा सा फास्ट करो, ए तो हमेशा रहेगा, छह पद में से एक कम कर दो तो फाइव डी आ गया, बराबर कितना दिया है, तेरह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ पहले। तो तीन पदों का बोला तो फॉर्मूला ये होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो गया, लास्ट टर्म का हमको टी थ्री चाहिए था, तो हमने क्या किया, तीन में से एक गया तो टू डी, तो ए तो रहेगा, ए प्लस टू डी, सीधे एक कम कर दिया करो, इतना लंबा नहीं करना, ए प्लस टू डी बराबर कितना दिया है, तीसरा पद सात, और छठवा पद तो ए प्लस फाइव डी, पांच में से एक गया, सॉरी छह में से एक गया, पांच, फाइव डी कितना, तेरह। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, फिर पांच पदों का फॉर्मूला लग दोगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये था, ये टी थ्री था और ये टी सिक्स था। ठीक, ये टी, सॉरी टी थ्री और ये था, आपके समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है ना, हमेशा एक कम कर दिया करो बस, अभी उसको उड़ा देंगे, टेंशन मत लेना। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस क्योंकि कैंसिल करना है, माइनस हो गया भाई, पांच में से दो गया तीन डी, लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या साइन है, माइनस का। ठीक है, अब क्या हो गया, तेरह, तेरह में से सात गया, कितना बचेगा, छह, वो भी कौन सा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तीन से दो बार, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डिफरेंस कितना क्या आ गया, दो का, किसी भी एक इक्वेशन में दो रख दो, इसमें रख दो, ए प्लस टू डी इक्वल्स टू सेवन, तो यहां से पहला पद निकल जाएगा, तो ए प्लस टू, डिफरेंस कितने का, दो का, और ये सात, ये कितना हो गया, ए प्लस सेवन, ये क्या हो गया, चार, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, सात में से चार गया तीन। बात समझ में आ गई, ये डिटेल में करा रहा हूँ, हम इसको शॉर्ट में भी निपटाएंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कोई समस्या नहीं है। ये डी उठाकर मैंने कौन सी इक्वेशन में रख दिया, इस इक्वेशन में रख दिया, ये वाली इक्वेशन में, ये जो है ना, डी की वैल्यू यहां रख दी, दो, चार हो गया, उधर गया तो सात में चार गया तीन, तो मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया और डी निकल गया, तो मैं, मेरे को क्या बोल रहा है, पांच पदों का योग निकालो, सम ऑफ फाइव टर्म, पांच पदों का योग, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, सम का याद है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यही होता है कि नहीं फॉर्मूला, बताओ, हाँ या ना, सम का फॉर्मूला क्लियर दिख रहा है ना, यही होता है सम का फॉर्मूला, एन बाय टू, तो एन की वैल्यू कितने टर्म की बात कर रहा है, पांच पद का योग, देखो वो अंतिम पद का फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये क्या बोल रहा है, सम निकालो पांच पदों का योग, तो पांच पद कितने हैं, पांच, तो एन की वैल्यू फाइव, टू इंटू ए कितना निकाले यहां से, तीन, पहला पद कितना निकाले, तीन, प्लस एन माइनस वन, भाई बात किसने की कर रहा है, पांच, पांच में से क्या, चार डी है ना, सीधे सीधे कर दिया करो एक कम, डी की वैल्यू कितनी निकाली, दो, कोई समस्या नहीं थी, फाइव बाय टू, ठीक, ये कितना हो गया सिक्स, और ये कितना हो गया एट, समझ पा रहे ना, छ और आठ चौदह, और ये दो से चौदह गया सात बार, तो कितना हो गया आंसर, थर्टी फाइव, आंसर कितना हो गया, थर्टी फाइव, क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी, तो आंसर आपका हो गया थर्टी फाइव, कोई डाउट है, अब एक बार समझो, क्योंकि हमें स्पीड बनानी है, कुछ लोग तो अगर बन रहे हैं क्वेश्चन तो वो आगे बढ़ा लें वीडियो, कोई समस्या नहीं है भाई, नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं कि रेंडमली आप देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं, ऐसे एग्जाम नहीं निकलती, कोई चीज़ को ना आगे तक करो, और हमने मॉर्निंग में छः बजे डेली 10 सेकेंड 20 सेकेंड का एक मोटिवेशन वीडियो किसी भी पर्सन का हम लोग डालते हैं यूट्यूब पर, तो मोटिवेशन टॉक करके प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, देखो यार, समांतर श्रेणी का कि कौन सा पद बोल रहा है, तीसरा पद क्या है, सात, तो बात समझ में आ गई, ए प्लस टू डी, तीन है तो एक कम कर दो, ये सात है। ठीक, छठवा पद तो ए प्लस पांच डी बराबर तेरह, माइनस 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 कैंसिल, ये कितना हो गया, माइनस का थ्री डी, ये माइनस का सिक्स, ये हो गया तीन से डी की वैल्यू टू, इतना टाइम नहीं लगेगा, और इससे भी एक और तरीका बताऊंगा जिसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक, ये हो गया
डी की वैल्यू 2 आ गई, इसमें रख दो, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं अब तो, ठीक है ना। सीधे कितना हो गया, डी रखे तो ये 4 हो गया, तो ए बराबर कितना हो गया, ये हो गया, यहाँ पे डी रखे तो 4, सीधे हो गया 7, 7 में से 4 गया 3, तो ए की वैल्यू 3। अब आपसे पूछा क्या है, 5 पदों का योग, सम का फॉर्मूला, एन बराबर 5/2, एन की वैल्यू 5 हो गई 2a, तो ए की वैल्यू 3 है, तो 3 दूनी 6, 5d बोल रहा है, 5 पदों का बोल रहा है तो कितना लेंगे, एक कम तो 4d, 4, d की वैल्यू 2, डिटेल में करा चुका हूँ, अब धीरे धीरे ये चीज़ कब रहेगी, जब माइंड में चीज़ें ही रहेगी, 5/2, 6, और ये कितना हो गया 8, 14, 7, 35 आंसर। क्लियर हो गई चीज़ें कि नहीं, हो गई ना। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, देखो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पढ़ा करो, माइंड को थोड़ा सा ना रमाया करो, तब जाके चीज़ें अच्छे से होगी। अब समझो इसको कैसे कर सकते हैं, ए तो हर सीरीज में कॉमन रहेगा, तो ए लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, बात समझ में आ गई कि नहीं, ए तो हर सीरीज में रहेगा तो ए लिखने की जरूरत ही नहीं है, कैसे तब समझो, 2d लिखो सीधे 7, 6 की बात कर रहा है तो कितना लिखो 5d, कितना 13, बात समझ में आ गई, इनका अंतर सीधी बात है, ये भी बड़ी संख्या, 3d बराबर 6, तो एक d की वैल्यू कितनी आ गई 2, बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक, ठीक है। तो यहां से आपका डिफरेंस आ गया, अब आपको पता है, बस इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको ये पता है कि a प्लस 2 रख दो यहाँ पे, 4 बराबर 7, तो क्या हो गया 3, पांचवा पद क्या होता है n बाय 2, तो 5 बाय, पांचवा पद 5/2, a की वैल्यू 6, और वो कितना हो गया 8, ये हो गया 14, और ये 7, तो हो गया आप 35, बात समझ में आ गई ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम आगे ट्रिक को और अच्छे से करेंगे, कैसे हम बताएंगे आपको चीज़ों को, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, देखो यार आप नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही कम करो, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, जो डाउट आ सकते हैं, जो गलतियां हो सकती है आप लोगों से, उसे रिजॉल्व करना बड़ा जरूरी है, गलतियां नहीं होनी चाहिए ना यार, ठीक है। चल तो वही क्वेश्चन रहेगा, बस क्या बोल रहा है, सेकेंड टर्म दूसरा पद क्या है, हिंदी में भी लिख लेना, दूसरा पद दिया है आपको उस सीरीज का, एपी का है ना, समांतर श्रेणी का दूसरा पद दिया है आपको 16, अब वो थ्योरी में लिखा रहेगा ना, तो लिख लेना। चौथा पद दिया रहेगा आपको 26, है ना, फोर्थ टर्म 26, फाइंड सम फिफ्थ टर्म, सम निकालना है, पांचवा पद नहीं निकालना है, सम की बोल रहा हूं, यहां गलतियां होती है इसलिए बार बार नोटिस करवा रहा हूं। यही क्वेश्चन थ्योरी फॉर्म में रहेगा कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 16 है, चौथा पद 26 है, तो पांचवा पदों का, पांच पदों का योग निकालो, तो निकाल लो सेम सेम, कोई समस्या नहीं है। तो क्या करेंगे देखो, तो यार सेकेंड टर्म बोल रहा है तो सीधी सीधी बात है, दो में से एक गया तो a प्लस डी बराबर 16, चार बोल रहा है तो 3d ले लो, तो a प्लस 3d बराबर 26, माइनस कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल, तीन में से दो, एक गया दो, तो माइनस का 2d, ये कितना हो गया 26 में से 16 गया, माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, दो से आया 5, d की वैल्यू हो गई 5, रख दो यहां पर d की वैल्यू a प्लस 5 बराबर 16, a बराबर कितना हो गया 16 में से 5 गया 11, पांच पदों का बोला है, पांच पदों का सम का फॉर्मूला क्या होता है n बाय 2 2a प्लस, बार बार बोल लो लिख लो, तो उसी क्लास का, उसी क्लास में बोला हूं भाई, समांतर श्रेणी में जाकर क्वेश्चन तब कर पाओगे जब प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या करो, नंबर सिस्टम करके आपको टॉपिक बना हुआ है, ठीक है ना। पांच पदों की बात कर रहे, तो n की वैल्यू 5/2, 2, a की वैल्यू कितनी है 11, यहां रख दूं 11, 2 × 11 प्लस 5 में से एक गया 4, d की वैल्यू 5, इतना कैलकुलेशन वैसे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग कर लेते इसके बाद, तो ये हो गया 22, ठीक है ना, और ये कितना हो गया 20। एक चीज यहां पे थोड़ा सा याद रखना है आपको, एक सेकंड, ठीक है, क्लियर है ना।
तो ये हो गया 42, 42 को 2 से काटोगे तो कितना बचेगा 21, ठीक है ना, ये कितना हो गया 42, 2 से काटोगे तो 21, तो 5 × 21 10, 105 आपका आंसर है। क्लियर है, कोई समस्या? तो आप सीधे सीधे फटाफट कर सकते हो, डिपेंड करता है कैलकुलेशन कितने जल्दी करना है, अभी से आसान कुछ नहीं होगा यार, क्योंकि क्या होता है जब मिक्स क्वेश्चन होता है तो उसे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो क्लियर है। चलें, अब देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया था फिर करा दिया, अब देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन है। अब ये देखो यार, जो टीचर होता है ना आपको हर चीज तो नहीं बता सकता आपको कि एग्जामिनर क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, फिर भी देखो एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो थोड़ा सा यूनिक था लोगों के लिए। इफ एक्स प्लस टू, एक्स है ना, एक्स प्लस टू, थ्री एक्स, फोर एक्स प्लस वन आर इन एपी, एपी समांतर श्रेणी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं है, हिंदी में भी ये दिया रहेगा, एक्स यदि एक्स प्लस टू, थ्री एक्स और फोर एक्स प्लस, नोट्स बहुत अच्छी बनाए यार, स्टार्टिंग से पढ़ें। ऐसा है समांतर श्रेणी है तो एक्स का मान निकालना है, बस एक्स का मान निकालो, करो सॉल्व, लगाओ लॉजिक तो लगाओ यार, बस लॉजिक का खेल है और कुछ नहीं है। सॉरी, लॉजिक का खेल है, करो सॉल्व क्वेश्चन। इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं जाएंगे, आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना। देखो x का मान निकालना है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, फॉर्मूले के पे मत जाना, और कोई फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, आप समझो x का मान आपको क्या बोलता है। इसमें हम डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस सब में क्या होता है, सब में अंतर क्या होता है, बराबर। समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर। सर्वांतर क्या होता है, बराबर। तो मैं मान सकता हूं, अंतर कैसे लेते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट घटाते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, 3x माइनस क्या दिया, x प्लस टू, ये अंतर हो गया ना, डी हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। सेकेंड में से, सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म मैंने कैंसिल किया तो क्या हो गया, माइनस किया तो क्या मिला मेरे को, डी मिला, ठीक है। अब इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच का अंतर बराबर होगा किसके, इन दोनों के बीच का अंतर, क्योंकि समांतर श्रेणी बोल रहा है, समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है क्या होता है, बराबर। बात समझ में आ रही ना, तो यहां से हो गया कि भाई इसमें से ये क्या, ये डी हो गया, जो किसके बराबर होगा, क्योंकि सब में अंतर क्या है, बराबर। तो इसमें से इसको माइनस करो, देखो बाद वाले में से पहला करना, एक चीज गलती मत कर देना, तो आंसर पूरा गलत आएगा, 4x प्लस 1, ठीक है, माइनस क्या करोगे, 3x। बात समझ में आई कि नहीं, इसमें से इसको माइनस कर दिए, इसमें से इसमें, तो दोनों का क्या है अंतर, सर्वांतर क्या होता है, समान अंतर होता है, अंतर बराबर, तो अंतर को हमने क्या कर लिया, बराबर। इसका डिफरेंस बराबर है इन दोनों के डिफरेंस के, क्योंकि समांतर श्रेणी की कंडीशन यही होती है। कर लो, 3x माइनस का x, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर ये हो गया 4x प्लस 1 माइनस का 3x, ठीक है ना। तो यहां से डायरेक्ट इसको क्या कर लो, माइनस कर लो, 4 में से 1 गया तो 3 गया तो 1 x बचा प्लस 1, ठीक। यहां से क्या होगा, 3x में से 1x गया तो 2x, और ये वाला इधर एक x आ जाएगा तो माइनस में जाएगा, चलो इतना डिटेल में मत जाओ अभी, 2x ठीक है ना, माइनस का 2 बराबर x प्लस 1, ये x को इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का, तो 2 और 1 3, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है यार, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आंसर क्या हो गया, 3, ये समझ में आया ना, अंतर समान कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, करें क्या, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि बस पढ़ना, तो इसलिए कहते हैं कि मैंने स्टार्टिंग से बताया था समांतर श्रेणी की कंडीशन, अंतर समान होता है, इसलिए डिटेल में जरूर पढ़ना यार दोस्तों, ठीक है ना। बात समझो, इतना कैलकुलेशन नहीं करना, तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोग को पता है, लेकिन कुछ बच्चे जो तैयारी इनिशियल लेवल पर करें तो उनको बड़ी दिक्कत जाती है यार, ठीक है ना। और देखो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि लाइक करो, मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, ठीक। 3x सीधे, 3x में से 1x का अच्छा बचा तो 2x माइनस कर दो, मुझे पता है मुझसे भी अच्छा कैलकुलेशन आप कर लोगे, आई नो। यहाँ कितना बचा, x प्लस 1,
ठीक है ना, इधर आया x, उधर गया तो 3, तो आंसर बस टिक करना है 3, खत्म। ठीक है, ये हो गया, इधर आया तो x और 2 उधर गया तो 3, आंसर क्लियर। सेम क्वेश्चन करके बताओ। पहले ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद बताना आप। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है यार? ठीक है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, ऐसा लगना चाहिए मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं चीजों को लेकर, जो क्वेश्चन आपके मन में आते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ एपी समांतर श्रेणी का चौथा पद, इसका मतलब एपी, ठीक है ना, समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, ठीक है 11, एंड द सम ऑफ, एंड द सम ऑफ, ये अलग क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अलग है, ये सेम नहीं है जो पहले करे थे। सम ऑफ, अच्छे अच्छे से नहीं बनता, फिफ्थ एंड सेवन, देखो सम का बोल दिया, सेवंथ ऑफ दिस एपी इज 34, इज 34, राइट, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस, क्लियर, समझो बात को, ये क्वेश्चन लिखा दिया, सॉल्व करो, 32nd है, हिंदी में लिखा दे रहा हूं, यदि समांतर श्रेणी का, थोड़ा लॉजिक लगाया करो, हिंदी हो या इंग्लिश दोनों समझने की कोशिश करो, समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, और नोट्स बनाना यार, रैंडमली मत पढ़ना, और पांचवा और सातवां पद का योग, समय बोल रहा है ना, हाँ योग क्या है 34 है, तो सर्वांतर, मतलब डिफरेंस ज्ञात करना है, तो सर्वांतर डी, सर्वांतर निकालें, ठीक है, पांचवा और सातवें पद का योग क्या है 34 है, तो सर्वांतर निकालें, ऑप्शन दे दूं क्या, चलो ऑप्शन भी लिख लो, ऑप्शन है आपका 1, 3, 4, 5, अच्छा क्वेश्चन है यार, सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाएं, ठीक है, जो सारी शिफ्ट में आए हुए हैं, बस आप लोगों के लिए इतना ही किया हुआ है कि आप लोग इन चीजों को समझें और सॉल्व करें। हो गया, चलो अब समझते हैं ना, इतना मिटा दूं, हिंदी वाले कोई दिक्कत तो नहीं है यार, कुछ नहीं बोला है इसमें, लिख लिया ना क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो फिर लिख लेना, या फिर दोबारा वीडियो जरूर देखना, दो बार तो वीडियो देखना जरूरी है। फोर्थ टर्म, चौथा पद क्या है, 11वां, चौथा, तो मैंने आपको क्या बोला, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस, एक कम कर दोगे तो 3d बराबर 11, यही तो कह रहा है ना, सीरीज का चौथा पद 11 है तो ए प्लस एन माइनस 1, तो 4 में से क्या 3d, ठीक है, और क्या बोल रहा है पांचवा, तो पांचवा पद क्या होगा सीरीज का, T5 प्लस T7 कितना है 34 है, यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन, उस सीरीज का पांचवा और सातवें पदों का जो योग है वो कितना है 34 है, तो ये क्या हो जाएगा, T5 कितना हो जाएगा, A प्लस 4D प्लस A प्लस कितना 6D, बताऊंगा कैसे करेंगे इसको डायरेक्ट, 34 A और A क्या हो जाएगा 2A प्लस 6 4 10D, और ये कितना होगा 34, ठीक है, ए प्लस, अब यहां पर क्या हो गया, देखो ये एक इक्वेशन बन गई, ए प्लस 3D बराबर 11, दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, 2A प्लस 10D बराबर 34, तो याद है आपको इनमें से एक, किसी भी एक को या तो सेकंड वाले का इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इससे करो, इसके इससे और इसका इससे, या फिर
इसका इससे या तो इसका इसके, तो पहले देख लो ये तो बड़ी संख्या है, इसका करेंगे तो ज्यादा जाएगा, तो हम क्या करेंगे दो का इसमें कर लेते हैं, और इसमें कोफिशियंट क्या है, इसके कोफिशियंट से इसमें और इसके कोफिशियंट से इसमें, तो दो का मल्टीप्लाई उसमें कर लो, और इसका एक का करोगे भी तो यही वैल्यू रहेगी, तो सीधे क्या कर दूं, मतलब यहां पर सीधे दो का मल्टीप्लाई कर दें सब में इस इक्वेशन में, तो दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे लिखूं क्या, चलो यहां लिख दे रहा हूं, कोई समस्या है, तो ये कितना हो गया भाई साहब 2a + 6d, और वो गए 11 में दो का मल्टीप्लाई करें, इसमें दो का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें एक का, ठीक है ना, इसमें दो का और इसमें एक का इसके कोफिशियंट से, ठीक है ना, 2 और 1 का, इसमें क्या वही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10d, और ये कितना हो गया 34, माइनस 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 ये कैंसिल, कितना हो गया माइनस का 4 आ जाएगा 4d, और ये कितना हो गया 12, ठीक, और ये माइनस से बड़ी संख्या के साथ माइनस से कैंसिल, 4 से कितना d 3 बार, क्लियर हो गया, तो डिफरेंस कितना आ गया 3, आपसे क्या पूछा है, यही तो पूछा ना, आंसर आ गया 3, कॉमन डिफरेंस अंतर कितने का 3 का, भाई क्लियर है। चलो समझ में आ गया, डिटेल में भी करना, देखो थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, मिटा दूँ, ठीक, चलो शॉर्ट देखते हैं, लॉजिक लगाओ, चौथा पद तो 3d तो आएगा, 3d = 11, ठीक, चौथा पद मतलब a तो सबके लिए कॉमन है, 3d = 11, अब पांचवें पद में क्या आएगा 4d, सातवें पद में 6d, 6 4 10d, तो शायद डायरेक्ट कर सकते हो ना 10d, इसका a तो मिलाकर कितने हो गए 2a = कितना 34, इतना कैलकुलेशन देखो वही तो है, कैलकुलेशन ही कम करना है और कुछ नहीं करना है, इसका a + 3d, एक बार a मान के बताता हूँ, एक बार विदाउट a बता दूंगा, ठीक है ना, a + 3d हो गया चौथा पद, और ये हो गया 2a + भाई इसका 2a हो गया, इसका 4 और इसका 6 10d = 34, नहीं दिक्कत है, दिक्कत जा रही है किसी को डिटेल डायरेक्ट समझने में, तो पहले डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना, ठीक है, इसमें क्या है बराबर करना है, तो क्या करोगे दो का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, तो 2a + 6d, और ये 22 हो गया, 2a + 6d = 20, और ये 1 का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो क्या हो गया 2a + 10d = 34, माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 4d, माइनस का कितना हो गया 12, कैंसिल 4 से 3, तो d तो निकालना था, तो 3 आ गया ना आपका, ठीक है ना, तो d कितना आ गया 3, स्टेप कम कर दी। अब और एक बार समझो इसको, आगे काम आएगा, देखो एक दो बार करोगे ना तो आपको इस ट्रिक भी बनने लगती है, अगर जब तक 2-3 बार 4 बार नहीं करेंगे तो तब तक एक बार में ट्रिक किसी के भी माइंड में नहीं घुसती, हम क्यों ना हो, ठीक है ना यार, 3d = 11 और 10d = 34, ठीक है, समझो 3d = 11 और 10d = 34, ये कैसे पता चला, 4 है तो 3d, और इसका 4 और 6 10d = 34, ठीक है, बस याद करना यहाँ दो टर्म्स है, जितने टर्म्स है उतने का मल्टीप्लाई, इधर दो टर्म्स है, दो का मल्टीप्लाई इसमें, इसमें दो का मल्टीप्लाई, बस क्या हो गया ये 6d, ठीक है, ये कितना हो गया 22, ये कितना हो गया 10d, ये कितना हो गया 34, डिफरेंस कितने का 4 का, और ये कितने का 12, 3 आंसर, क्लियर ना, क्या बोल रहा हूँ, ये चीज़ इसलिए याद रखो क्योंकि देखो जब आगे मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई है वो इसलिए बता रहा हूँ, इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई आगे जाके दिक्कत जाएगी, जब कंबाइन पूछेगा तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, समझो पहला तो हो गया 3d = 11, इसका 4 उसका 6 10d = 34, योग है ना उनका 34, इसमें कितने a है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में, ठीक, तो ये 6d हो गए, ये हो गया 22, ये हो गया 10d, ये कितना हो गया 34, माइनस भी करोगे दोनों के माइनस से कैंसिल, तो अंतर देखो 4d और इसका अंतर 12, 4 से 3, तो d खत्म, तो कैलकुलेशन कम हुआ कि नहीं हुआ बताओ, 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन करोगे तो बन जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन दे रहा हूँ बन जाएगा, क्लियर, ठीक है ना, ओके, क्वेश्चन है समझना, ठीक है ना,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलो वही है, नाइन्थ टर्म आपका सीरीज का है, नाइन्थ टर्म दिया हुआ है माइनस का 22, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सम ऑफ 11th एंड 13th, ठीक है, वही रहेगा। बस क्या करना है, उसमें पांच कितना था, पांच और सात था, योग 34 दिया था। इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें मैं इसमें इस टर्म में लिखा देता हूं, 11th प्लस 13th टर्म का जो योग दिया है वो क्या दिया है, माइनस का 94, ठीक है। फाइंड डिफरेंस, थ्योरी नहीं लिखा रहा ना, वही थ्योरी है, क्वेश्चन समझना, लैंग्वेज समझना है बस। नौवां पद दिया माइनस का 22 और 11 और 13 पदों का योग दिया माइनस का 94, 94 माइनस 94 और डिफरेंस निकालना है, सॉल्व कर लो। सॉल्व करो, 20 सेकेंड आपके पास टाइम है। बन रहा है, हो गया। देखो जिसको ट्रिक समझ में आ गई, ट्रिक से देख लेते हैं। नौ टर्म बोल रहा है तो 8d ले लो और माइनस का 22, कितने पद है, दो, इसका कितना हो गया 1 कम 10 और इसका 1 कम कितना हो गया 12, कितना हो गया 10 और 12 22 डी और माइनस का 94, कितने टर्म्स है इसमें, दो, दो का मल्टीप्लाई कहां कर दो, ऊपर। यार क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बताओ, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, 22 है ना, सॉरी 32 है यार, है ना, 32 है, माइनस का 32, राइट, 32 कर लेना, ठीक है ना, सॉरी 32 कर लेना, क्वेश्चन 32 है, ठीक है, क्लियर। वही लग रहा था क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही थी, तो इसमें भी दो का मल्टीप्लाई कर लो तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, 16d। अब इतना भी नहीं करने की जरूरत है, यहीं क्वेश्चन खत्म हो जाता है, 16d हो गया, 22 कितने का अंतर, 6d का बराबर, भाई माइनस माइनस आएगा कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। ये हो गया 64, बचा 30, 6 × 5 = 30, खत्म क्वेश्चन, कि नहीं समझ में आया। देखो 1 कम 8d 32, दोनों का योग 1 कम कर लो तो 10 और इसका 1 कम करो 12, 22d माइनस का 94, कितने टर्म्स है इसमें, दो, तो दो का मल्टीप्लाई कर दो, 16d 64, 64 और 94 का डिफरेंस 30 और ये हो गया 6, तो 5 आ गया। डिटेल में बताना है क्या, आई थिंक सो नहीं, हमें आगे भी चलना है, डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पक्का ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलतियां तो यहाँ होगी, ठीक है, और कवर कर लेंगे आप लोग। मेरा उद्देश्य यही है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लो, हर एग्जाम के लिए मत पढ़ो, एक बार आप अच्छे से पढ़ो तो कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है ना, ठीक। डेवलपमेंट माइंड का करना यार, एग्जाम मात्र क्या करता है, एक इंसान का आईक्यू लेवल चेक करता है, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम फॉर विच द नंबर, एक सेकेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इन इस नंबर से निकालना है, क्वेश्चन दे देगा और ये दिया है आपको सीरीज 5x + 2 4x - 1, एक्स है ना, और x + 2, ठीक है, एन नहीं है, एक्स है, क्या बोलेगा, बस इतना क्या करना है, ये सीरीज दिया, बोल देगा एक्स का मान निकालो, बता चुका हूँ ना क्वेश्चन, अंतर बराबर कर लो बस, करो सॉल्व, इसके बाद का क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तब तक इसका सॉल्व करो, ठीक है। हो गया,
चलो हो गया ना, क्या आया आंसर बताओ, तीन आ गया आंसर। देखो ठीक है, x का मान निकालने से मिटा दे रहा हूं, अंतर बराबर कर लो, इसमें से इसको माइनस करना, 4x माइनस 1 माइनस 5x प्लस 2, इतना आप लोग के हिसाब से बता रहा हूं, नहीं तो हम माइनस 5x लिख सकते हैं, माइनस का 2 लिख सकते हैं, बराबर। इसमें से इसको माइनस करोगे ना, हमेशा इसमें से लास्ट में से, कुछ लोग की गलती हुई होगी, मतलब पहले में से उसको हटा दिए होंगे, x प्लस 2 माइनस 4x, और कुछ लोग को जैसे गलती हो जाती तो हंसते भी होंगे, हाँ सर ने बताया, हाँ गलती होगी हमारी हो गई है ना, मजा आया, 4x माइनस 1 ठीक, माइनस का 5x माइनस का 2 बराबर x प्लस 2 माइनस का 4x और प्लस का 1, सॉल्व कर लो इसको, क्या दिक्कत है। यहाँ कितना हो गया भाई, 5 में से 4 गए 1, लेकिन कौन सा माइनस का x, माइनस 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 2 और 1 3 ठीक है, ये कितना हो गया, 4 में से 1x जाएगा लेकिन 3, लेकिन कौन सा, बड़ी संख्या के सामने का माइनस का 3x, और 2 और 1 3, इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर दिख रहा है, हॉच पॉच तो नहीं हो रहा है। 5x में से 4 गया, x बचा लेकिन बड़ी संख्या के सामने का माइनस का साइन, माइनस 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 2 और 1 3, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, ये हो गया 3 ठीक है, 4x में से x जाएगा तो 3x बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का माइनस का साइन और 2 और 1 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ ठीक है ना, यहाँ नीचे लिख दूँ, कोई समस्या तो नहीं अभी, ओके 3x जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2x सॉरी इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा है ना, इधर आएगा तो प्लस का 3x, और ये माइनस x पहले से है, और ये 3 उधर जाएगा तो 3 और 3 क्या बनाएंगे 6, तो 3 में से x गया 2x बचेगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3, डाउट तो नहीं है, इतनी स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, बस इतना सा याद रखना था, इसमें से करना था तो सीधे से सीधे 4 में से 5x जाएगा तो माइनस का x ठीक है ना, माइनस 1 तो पहले से था, ये माइनस का 2 तो माइनस का 3 ठीक, वो कितना हो गया x प्लस 2 है, माइनस करोगे इसका तो माइनस का 3x, तो इधर आएगा तो प्लस का 3x, या उधर ही लिख लो कोई समस्या नहीं, तो माइनस का 3x, और कितना हो जाएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1, 2 और 1 3 इधर आ जाएगा, तो क्या दिक्कत थी, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस की जगह प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस के 3 में से 1x जाएगा तो 2x, वो उधर गया तो 6, दो लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता, ठीक है क्लियर हो गया क्वेश्चन। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये बना के बताओ, होमवर्क तो नहीं दूँ, पिछली बार क्लास में होमवर्क दिया था अभी तक नहीं आया है लोगों का आंसर, ठीक करो सॉल्व, आया हुआ क्वेश्चन है, देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन ये समझते हैं। लिखने के लिए आप लोग पॉज कर लिया करो वीडियो, या फिर नोट्स बना रहे हो तो एक बार जरूर देखना ना यार, जितनी मैं लाइनें बोल रहा हूँ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो फाइंड 3 नंबर इज AP हुज सम इज 15 एंड प्रोडक्ट 80, क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी के तीन पदों का योग 15 है और उनका जो गुणनफल है वो 80 है, तीन पदों का योग, तीन पदों का योग 15 है और उनका प्रोडक्ट गुणनफल गुणनफल 80 है 80 है, तो वो पद ज्ञात करें, पद कितने हैं 3, तो पद पद ज्ञात करें नंबर ठीक है ना, किसका सम 15, 3 ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनका सम 15 होगा 15 और प्रोडक्ट क्या होगा 80, पदों की संख्या भाई, सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं मैंने है ना जो आते हैं एग्जाम में, क्लियर अच्छा समझते हैं क्वेश्चन क्लियर ओके। यहाँ पे क्या होता है समझो, पहला पद में कोई अंतर नहीं होता, मानते हो कि नहीं मानते हो, पहला पद A होता है, दूसरा पद क्या होता है A प्लस 2D और तीसरा पद क्या होता है A प्लस 3D, मतलब क्या होता है अंतर बढ़ते जाता है, नहीं आई बात समझ में, पहला पद
पांच है मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, और अंतर कितने का है दो का, तो ये वाला पद कितना हो जाएगा देखो, फाइव प्लस डिफरेंस कितने का होगा अगर दो का है तो, टू इंटू टू कितना हो गया फोर, नौ, चार का चार हो जाएगा नौ का, तो मतलब कितने का अंतर आएगा चार का, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें भी कितने का आएगा चार का अंतर आते जाएगा। तो आपको समझना क्या है, पहला पद एक रहेगा फिर उसमें कितने का डिफरेंस हो जाएगा, सॉरी ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ए उसका एक डी जुड़ेगा फिर दूसरा डी जुड़ेगा, ऐसे करके डी की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे फाइव है टू का है अंतर तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू, ठीक है ना, डी की वैल्यू कितनी होगी अंतर कितना दो का, ठीक, ए प्लस टू डी होता है टू इंटू टू, तो क्या हो जाएगा ये ए की वैल्यू अगर पाँच चार नौ, ठीक है ना, पाँच और दो सात और ये पाँच, बात समझ में आ रही है, दो का अंतर दो का अंतर, तो क्या हो रहा है ये डी तो कॉमन है सब में और क्या बढ़ रहे हैं दो तीन ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ये समझाने के तौर पर है। ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। तो आपको पहला पद क्या लोगे ए लोगे, दूसरा पद क्या लोगे a प्लस डी, अंतर बढ़ते जाएगा, अब अंतर क्या है नहीं पता, तीसरा पद क्या है a प्लस टू डी, या तो सीधे सीधे ले लो, तीन तीन पद बोल रहा है तो तीन में से एक कम करो तो a प्लस टू डी, उससे एक कम करोगे तो a प्लस डी, उससे कम करोगे तो a प्लस डी a प्लस टू डी, इतना याद रखना है। इन पदों का योग क्या होता है 15 और इनका प्रोडक्ट कितना 80 दिख रहा है ना, ओके इनका प्रोडक्ट कितना है 80 है, अब समझो प्रोडक्ट 80 है वो कर लेंगे अपन, कोई समस्या नहीं है, पहले इतना सम करो a प्लस कितने a है 3 a d और 2 और 1 3 3 d बराबर 15 कॉमन लो 3 तो a प्लस d की वैल्यू कितनी आ गई आपको यहाँ से 5 a प्लस d, इतना समझ में आया कि नहीं आया, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस जितने भी अगर जितने भी टर्म्स बोल दिया, तीन दोनों में कॉमन है कॉमन लिया काटेंगे तो कितना बचेगा 5, तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई 5, इतना क्लियर हो गया, ठीक। यहां पर मैं अब चलो अब क्या बोल रहा है प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, इनका गुणनफल कर लो, पहला पद a है दूसरा कितना है a प्लस डी और तीसरा कितना है a प्लस 2d बराबर कितना 80, गुणनफल कितना है 80।